नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत में बेरोजगारी के जो नए आंकड़े आए हैं वह बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के शुरुआती संकेत मिलने के बावजूद दिसंबर में बेरोजगारी की दर पिछले 6 महीनों में सबसे ऊपर दर्ज की गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 9.06% पर पहुंच गई है। ये नवंबर में 6.51% थी। पश्चिम बंगाल में चुनावी साल का आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। मंगलवार को ममता सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लक्ष्मी रतन शुक्ला का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। लक्ष्मी रतन शुक्ला बंगाल सरकार में खेल मंत्री थे, लेकिन मंगलवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी वो तृणमूल कांग्रेस से ही विधायक हैं। बता दें, पश्चिम बंगाल में इस साल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले टीएमसी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि टीएमसी का कहना है कि पार्टी छोड़ने वाले नेता बेकार थे, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की ओर से मंगलवार को साझा बयान जारी किया गया है। दोनों ही संस्थानों ने पूरे देश में सही तरीके से कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के प्रयासों की बात कही है। ये साझा बयान तब आया है जब दोनों ही कंपनियों के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से जुबानी जंग में लगे हुए थे और जिस पर देश में काफी विवाद हो रहा था। दरअसल बीते दिनों जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई, तब सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला का एक बयान आया जिसमें उन्होंने सिर्फ ऑक्सफर्ड, मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को सुरक्षित बताया और अन्य को पानी की तरह बताया। जिसके बाद भारत बायोटेक के कृष्णा एल्ला ने कहा कि उन्हें ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी, हमने अपना काम ईमानदारी से किया है, लेकिन कोई हमारी वैक्सीन को पानी कहे तो बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। हम भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना काम किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सरकार ने कहा है कि वो 10 दिनों के अंदर टीकाकरण शुरू करने के लिए तैयार है। एजेंसी ने कहा है, ड्राई रन के फीडबैक के आधार पर कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 10 दिनों के अंदर सरकार टीकाकरण शुरू करने के लिए तैयार है। 2 जनवरी को देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ था और उसके बाद से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की निर्मित वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सरकार की तरफ से इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बनाया जा रहा है। इसके निर्माण में 971 करोड़ की लागत आएगी और इसे 2022 तक पूरा किया जाना है। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार को निर्माण कार्य शुरू होने से पहले हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की इजाजत लेनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि पर्यावरण समिति की सिफारिशें सही और वैध हैं। बेंच ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने में सेंट्रल विस्टा कमेटी और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी में किसी तरह की कोई खामी नहीं थी। जस्टिस खन्ना ने जस्टिस खानविलकर, जस्टिस माहेश्वरी से अलग फैसला दिया है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस मामले को लोगों के बीच सुनवाई के लिए वापस भेजा जाना चाहिए, क्योंकि हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से पूर्व में स्वीकृति नहीं ली गई थी। रिपोर्ट के अनुसार इस बार भी आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला भाग 29 जनवरी को शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च को शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। दिल्ली हिंसा से जुड़े गंभीर इल्जामों के तहत जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने कोर्ट में चार्जशीट का मुद्दा उठाया है। उमर खालिद ने कोर्ट में कहा है कि चार्जशीट दायर हुए करीब 1.5 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक उन्हें यह पता नहीं चल सका कि उनके खिलाफ आरोप क्या लगाए गए हैं। उमर खालिद ने अपनी आपत्ति मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के सामने रखी, जहां दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई चल रही है। चार्जशीट की कॉपी ना मिलने को उमर खालिद ने फेयर ट्रायल के अपने अधिकार के खिलाफ बताया है। उत्तर प्रदेश में पिछले महीने आए गैर कानूनी धर्मांतरण कानून के समर्थन में 224 पूर्व नौकरशाहों, जजों और अकादमिक लोगों ने पत्र लिखकर इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की है। फोरम ऑफ कंसर्न सिटीजन्स नाम के बैनर तले ये पत्र यूपी के पूर्व मुख्य सचिव और राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण के नेतृत्व में लिखा गया है।
ये पत्र उन 104 पूर्व नौकरशाहों के पिछले हफ्ते लिखे गए पत्र के जवाब में आया है, जिसमें इस कानून पर सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि यूपी नफरत की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस से जुड़ी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि रूस निर्मित S-400 मिसाइल खरीदने के लिए अरबों डॉलर के भारत के सौदे को लेकर अमेरिका उस पर पाबंदियां लगा सकता है। यह रिपोर्ट कांग्रेस के सदस्यों के लिए निर्णय लेने के लिए तैयार की गई है। हालांकि CRS रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं होती है और ना ही वे सांसदों के विचार की झलक पेश करती हैं। वे स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा सांसदों के लिए तैयार की जाती है ताकि वे सारी बातें समझने के बाद सोच समझ कर निर्णय लें। कोरोना वैक्सीन के आने पर राहत के बीच अब देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत मच गई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक 376 कौओं की मौत हो चुकी है। इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पोंग डैम की झील में हजारों की संख्या में मारे गए पक्षियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हरियाणा के बरवाला क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से मर रही मुर्गियों की वजह से इलाके में एवियन फ्लू का भय है। यहां करीब 1,00,000 मुर्गी और चूजों की मौत हो चुकी है। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में जहां बर्ड फ्लू बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण में ये फ्लू दस्तक दे चुका है। केरल के अलाप्पुझा और कोट्टायम जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन से आए नए किस्म के कोरोना से भारत में आज 20 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी 20 नए मामले पुणे के लैब में मिले हैं, जिसके बाद देश में इस नए स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या 58 हो चुकी है। भारत में इस नए स्ट्रेन ने चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत में लगातार कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। लेकिन अगर ये नए किस्म का कोरोना फैला तो दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 70% तेजी से फैलता है। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 16,375 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 201 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,56,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,49,850 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,31,000 से अधिक हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला जारी है। अब इस कड़ी में केएल राहुल का नाम जुड़ गया है। शनिवार को टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के दौरान मेलबर्न में नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए उनकी बाईं कलाई पर मोच आई है। इसके बाद उन्हें मौजूदा बॉर्डर गावस्कर सीरीज से बाहर होना पड़ा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।